हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो का साथ। देखो यहाँ मैक्सी खेल रहा है। मैं कुछ फैक्ट आपको बताऊंगा, डॉबरमैन का फैक्ट। सो क्या आप डॉबरमैन को घर पे रख सकते हो, मतलब फ्लैट में? देखो भाई, डॉबरमैन ऐसी एक बहुत पावरफुल ब्रीड है। पावरफुल ब्रीड इन सेंस इसका बाइट फोर्स काफ़ी ज़्यादा है, 600 पाउंड्स। तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा बाइट फोर्स है। और उसका साथ साथ आप फ्लैट में रखने से क्या होता है ना, आप रख सकते हो। उसके लिए आप ये वॉकिंग डॉग है तो इसको ना डेली रनिंग का ज़रूरत होता है, डेली एक्सरसाइज का ज़रूरत होता है। तो डेली एक्सरसाइज आप कर सकते हो तो फ्लैट में रख सकते हो। और एक प्रॉब्लम फ्लैट में रखने से क्या होता है, ये ज़्यादा बार्क करता है। बार्क इतना ज़्यादा कर रहा है तो मतलब फ्लैट में रखने से क्या होता है, आजू बाजू में जो लोग रहते हैं वो भी कंप्लेन कर सकते हैं। यही दिक्कत है, नहीं तो और कोई दिक्कत नहीं। डॉबरमैन को जितना आप सोशलाइज करोगे उतना अच्छा है। मतलब बच्चे आप घर पे आते हैं उनसे मिलाओ, उनसे डॉबरमैन से बोलो हर रोज़ मिलने के लिए। क्योंकि डॉबरमैन एक बार एग्रेसिव हो जाने पर ना ये किसी को भी अटैक कर सकता है। और उसका मतलब ये सेंस मान के चलो, किसी को अटैक कर लिया डॉबरमैन तो मतलब वो तो गया भाई, बहुत डैमेज कर सकता है, बहुत डैमेज हो जाएगा। तो सावधानी से आप रखिए। देखिए मेरा डॉबरमैन ऐसा है कि बहुत मतलब मैं सोशलाइज करके रखता हूँ। मैं बच्चे यहाँ पर खेलते हैं दिखा रहा हूँ, मैं बच्चे कैसे यहाँ पर खेलते हैं। और यहाँ पर भी ये यहीं पर है, किसी को अटैक पर डॉबरमैन खेल रहा है और बच्चे यहाँ पे क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो ये मैं ऐसे ही खोला छोड़ दिया हूँ, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है भाई। कोई मेरा पास आएगा तो इसका मतलब बनता है। तो ऐसे ही किसी का पास नहीं जाता है किसी को अटैक करने के लिए। दोस्तों ये मैं बता रहा हूँ कि ये मेरा जो डॉग है ये AKC रजिस्ट्रेशन है, अमेरिकन कैनल क्लब। सो ये KCI रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैंने बाहर से मंगवाया था। तो ये एक फीमेल है, अब ये कुछ 14 मंथ का हो चुका है और 4-5 महीने में इसको मेटिंग के लिए मैं प्रिपेरेशन करूँगा। सो किसी को बच्चे चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। और ये इम्पोर्टेड है, बाहर से मंगवाया था। तो सोच लो प्राइस क्या होगा। है कम ही कम मैक्सी मैक्सी कम कम गज। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप डॉग को 2-2 घंटे 3-3 घंटे उसको एक्सरसाइज करवाइए। उसको कम से कम 30 मिनट्स आपका जितना हो सकेगा समय, डेली 30 मिनट्स करने से बहुत है एक्सरसाइज। लेकिन इसको ज़रूरी है रोज़ एक्सरसाइज करना। सो जो से ही रोज़ एक्सरसाइज करेंगे इसका जो एनर्जी लेवल, देखो एक तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा और ये जब तक नहीं थकेगा तब तक आपका बात नहीं सुनेगा। तो डॉबरमैन को पहले आप भगाओ, भाग जब उसको थकान महसूस होगा तब उसको बुलाओ कोई भी काम करने के, रेडी होगा करने के लिए। मैं ऐसे तो करता हूँ मेरा हिसाब से, बाकी जो ट्रेनर है उनका हिसाब से करते होंगे, बट मैंने किसी ट्रेनर को रेकमेंड नहीं किया। कोई ट्रेनर आप घर पे ले गया भाई, यूट्यूब है, यूट्यूब से सीखो, यूट्यूब में बहुत कुछ है। आजकल ट्रेनर क्या होता है मतलब टाइम पे नहीं आते। मैंने एक ट्रेनर को हायर किया था, वो भाई नहीं आते हैं, कहते हैं आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। ऐसे क्या फ़ायदा है ऐसी ट्रेनर रख। यहीं पे बैठा है, देखो नीचे सोया हुआ है। सो हरदम पास नहीं रहता है, कहीं छोड़ के नहीं जाता है। बट हाँ ये अटैक करता है कोई मुझे मारने के लिए आता है तो, बट नहीं तो नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। हम ऐसे मतलब कभी कभी उसको बांध के रखता हूँ बट हरदम खोला छोड़ता हूँ कि सबसे साथ मिले। हाँ डॉबरमैन का एक ही प्रॉब्लम ये है, ये वन टाइम ओनर है। मतलब वन टाइम ओनर इन सेंस कि मानता है तो एक ही जन का बात मानेगा। घर पे 5 लोग हैं तो 5 लोग का बात नहीं सुनेगा। मतलब वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लीडर होना चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग लीडर उसी का बात सुनता है। तो मैं हूँ स्ट्रॉन्ग लीडर,
तो मेरा बात ही सुनेगा, मैं रहने का टाइम और किसी का बात सुनता ही नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है उसको कुछ। सो आप गाइज आप कमेंट में बताइए, तो आपका पास डॉबरमैन है तो आप कैसे उसको ट्रेन करते हैं, ताकि मुझे भी कुछ आइडिया बन जाए। सो गाइस, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, ताकि कभी भी ऐसी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपका पास तो जय हिंद।